हेलो गाइस, निक हियर एंड वाचिंग लेट मी फ्लो। इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ साथ एक एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा, जिसका नाम है एल्सा स्पीक। वैसे तो ये एप्लीकेशन आपके प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके अलावा मुझे इसके कुछ और बेनिफिट्स भी देखने को मिले हैं जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आप अपने प्रोनंसिएशन के साथ साथ अपनी लिसनिंग स्किल्स, वर्ड्स को कैच करने की पावर, अपनी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। कल रात मैंने एक सपना देखा। आई ड्रैम्ड अ ड्रीम लास्ट नाइट। जब मेरी आंख खुली, व्हेन माय आईज ओपन्ड, मैं खुशी से रो पड़ा। आई वेप्ट विद हैप्पीनेस। कुछ लोगों ने उसे मारा। सम पीपल बैट हिम। वह पुलिस स्टेशन गया है। ही हैज़ गॉन टू पुलिस स्टेशन। वह FIR लिखवा रहा है। ही इज़ फाइलिंग FIR। पुलिस विल टेक एक्शन नाउ। पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। पुलिस विल नॉट स्पेयर देम। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, पुलिस विल नॉट लीव देम। कुछ लोग बाइक पर आए थे। सम पीपल हैड कम ऑन द बाइक। उन्होंने मास्क पहना हुआ था। दे वर वियरिंग मास्क। उनके हाथ में डंडे थे। देयर वर रॉड्स इन देयर हैंड्स। किसी को कुछ पता नहीं है। नो वन नोज एनीथिंग। प्यार छुपाने से नहीं छुपता है। लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट। तुम गंदी बातें करते हो। यू हैव क्रूड टॉक्स। तुम बेशरम इंसान हो। You are shameless person. अपनी आदत सुधार लो। Improve your habit. यह कब की बात है? How old is this matter? तुम कल नशे में थे। You were intoxicated yesterday. मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। I don't want to get into this matter. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with it. यह किसने किया? Who did it? मुझे याद नहीं है। I don't remember. तुम कैसे भूल गए? How did you forget? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसकी मदद से आप अपने प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिसनिंग स्किल्स को, वर्ड्स को कैच करने की पावर और अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप टाइप कीजिए एल्सा स्पीक। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन को खोलेंगे तो सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने फेसबुक अकाउंट से या फिर जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे, किसी भी लेसन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ईडियम है, माइक के बटन पर क्लिक करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। इन योर बेस्ट इंटरेस्ट।
on the same page. On the same page. अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगा कि जो भी आपको idioms दी गई हैं उसकी meaning भी check कर सकते हैं. More के button पर click कीजिए, left swipe कीजिए, आपको उसकी meaning मिल जाएगी. साथ ही साथ आपको इसी application में dictionary भी मिल जाएगी. कोई भी word search कर सकते हैं और pronounce भी कर सकते हैं आप. जब आप इस application में login करोगे तो आपको कुछ lessons lock मिलेंगे, कुछ lessons unlock मिलेंगे, क्योंकि ये free version है. अगर आप सभी लेसन्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा. अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें. लेकिन मेरे पास तीन ऐसे कोड्स हैं जो कि मेरे 3 सब्सक्राइबर्स के सारे लेसन्स को अनलॉक कर सकते हैं. आप में से जिस किसी को भी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं रैंडमली 3 सब्सक्राइबर्स को चुनूँगा और पर्सनली उनसे बात करके उन कोड्स को उन्हें सेंड कर दूँगा. और अगर आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. मुझे बुरा लग रहा है. आई एम फीलिंग बैड. मेरी बातों पर विश्वास करो. बिलीव इन माई वर्ड्स. मुझसे बात मत करना. डोंट टॉक टू मी. मेरा पीछा मत करो. डोंट फॉलो मी. मुझे अकेला छोड़ दो. लीव मी अलोन. यहाँ से चले जाओ. गो फ्रॉम हेयर. ये मेरा अंतिम फैसला है. It's my final decision. मैं अपना मूड नहीं बदलूँगा. I will not change my mood. चाहे जो कुछ भी हो जाए. Come what may. मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद. Thanks for reminding me. घर पर कौन कौन है. Who all are at home. क्या मैं आ सकता हूँ. May I come. उसने ऐसा ही किया जैसे मैंने कहा. He did same as I said. मैं इसे मानता हूँ. I admit it. मैं लाचार हूँ. I am helpless. तुम फालतू में परेशान हो रहे हो. You are unnecessarily worrying. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, You are worrying for no reason. आपकी बहुत मेहरबानी है. It's very kind of you. मैं आपका एहसानमंद हूँ. I'm grateful to you. उसका कद छोटा है. He is short. वह थोड़ा मोटा है. He is quite fat. कोई तुमसे मिलने आया था. Someone had come to meet you. तुम्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to come again. इतना घमंड सही नहीं है. Such arrogance is not good. So that's it guys for this video. I hope you enjoyed. Thanks for watching this video, friends. Jai Hind.